तो गैस आज हम आए हैं लक्ष्मी चाय वाले और सफ़ेद मक्खन टोस्ट। ये दुकान जो है बनारस में मौजूद है गैस, और 70 साल पुराना दुकान है। ये सफ़ेद मक्खन का टोस्ट बनाते हैं गैस, जो ये अंगर के चूल्हे में सेक सेक के बनाते हैं सफ़ेद मक्खन का टोस्ट। और ये चाय भी बनाते हैं गैस, जो कि बहुत पुराना उनका दुकान है, 70 साल का पुराना दुकान है। और ये चाय भी कोयले के अंगर के चूल्हे में ही बनाते हैं, जो कि ये पहले जब शुरू किए थे 5 पैसा पर कप ये शुरू किए थे उनका सेल, जो कि आज 15 रुपया हो गया है पर कप चाय। और ये ब्रेड भी बनाते हैं गैस, जो ये ब्रेड को ऐसे लगाते हैं जाली में, फिर उसको कोयले में सेकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर मक्खन और चीनी डाल के ये सर्व करते हैं। सो गैस, इसको एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए और मैं आपको पूरा दिखाऊँगा। तो हे गैस, कैसे आप सब लोग, हमें बनारस के स्ट्रीट फूड सेंटर में। तो आज आपको ऐसा एक दुकान दिखाएंगे जो कि यूट्यूब में बहुत बार लोग देख चुके हैं, लेकिन मेरे चैनल में ले आए हैं, जो कि लक्ष्मी चाय वाला और सफ़ेद मक्खन टोस्ट मिलता है यहाँ पर, जो कि एक नया सा अलग तरीके से ये लोग बनाते हैं। और इनका ये टोस्ट खाने के लिए बहुत ही भीड़ होता है। तो चलते हैं, देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको। गाइस देख रहे हैं, यहाँ पर ये बनाते हैं सफ़ेद मक्खन का टोस्ट, जो कि इनका बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, जो कि कोयले पे छाछ पे बनाते हैं ये। और यहाँ पर ये ठीक है, और ये अमूल का बटर लगा के ये सब मक्खन का टोस्ट वगैरह सब बनाते हैं। इनका दुकान का ये गली है, छोटा सा गली है, लेकिन यहाँ पर इनका बहुत ही भीड़ रहता है गाइस। ये सब कुल्हड़ वगैरह है चाय देने के लिए, और यहाँ पर लोग पूरा बैठे हुए हैं खाने के लिए। उनका दुकान हमेशा खचाखच भीड़ पूरा लगा रहता है उनके दुकान में। आप देख सकते हैं कितने भीड़ है उनके दुकान में, और यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं। ये इनका चाय भी कुल्हड़ कोयले के अंगर में ही बनता है गाइस, आप देख सकते हैं। ये इनका दूध बैठा है और उसके बाद उनका चाय बनेगा, और फिर ये सर्व होगा वहाँ पर। और ये हमारा ब्रेड आ गया, इनका भी ये देख सकते हैं, जो कि इनका भी शुरू हो गया ब्रेड बनाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है इनका। अभी ये कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ही अनेक तरीके से ये कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो तरीके से करता होगा, और इनका दुकान बहुत पुराना है। और उनका चाय भी अभी बैठा हुआ है। ब्रेड चला जाए, उनका बनाने का तरीका हम दिखा रहे हैं। ये पूरा अमूल का बटर लगा हुआ है। फिर चाय बैठा लिए, देखिए ब्रेड कैसा सुनहरा रंग पूरा हो गया है। काम हो गया था, ज़्यादा पानी हुआ, बारह मिले तो
अब ये ब्रेड पे मक्खन लगा रहे हैं, अब इसको सर्व करेंगे। देखिए अभी भय बना दिए हैं, कैसे बना रहे हैं ब्रेड मक्खन आपको दिखाते हैं। ऊपर से चीनी डाल रहे हैं भैया, मसाला है, मसाला मसाला ये सब मसाला डाल गए हैं। क्या क्या मसाला है भैया ये सब? भैया बहुत चीज़ है, चीनी है, जीरा है, अच्छा काला नमक, वाइट नमक। अच्छा दुकान कितने साल का पुराना है? 70 साल पुराना है। नहीं बहुत बड़ा है ये, देखिए इनका ये ब्रेड बनाने का प्रोसेस। सुनहरा रंग आ गया है हमारा ब्रेड पे। तो गाइस ये जो उनका दुकान है ये 70 ईयर्स ओल्ड है, और ये जो इनका दुकान है बनारस में बहुत ही फेमस है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इनके दुकान पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इनका सफ़ेद मक्खन का टोस्ट और उनका चाय बहुत ही फेमस है। जब ये चाय बेचना शुरू किए थे तो 5 पैसा प्रति ग्लास के हिसाब से बेचते थे, अभी 15 रुपया हो गया है।